उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने आज अपनी शाहजहांपुर भ्रमण के दौरान मिश्रीपुर स्थित सहकारी विभाग क्रय विक्रय शीतग्रह में एक सहकार वाटिका का शिलापट अनावरण के साथ फीता काट कर लोकार्पण करते हुए वृक्षारोपण किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष द्वारा बजट पर की जा रही बयानबाजी को अनर्गल बयानबाजी की संज्ञा देते हुए विपक्ष की बौखलाहट बताते हुए बजट को जनहितकारी बजट बताया। इस दौरान उन्होंने कोला घाट पुल को लेकर भी पिछली सरकार को घेरते हुए पिछली सरकार का पाप बताया। मीडिया से बात करते हुए सहकारिता मंत्री ने कहा कि सब लोग जानते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किस तरह बजट में सभी लोगों की चिंता करने का काम किया है। हम चाहते तो ये बजट चुनावी मुद्दा भी बना सकते थे, लोग लुभावन बातें करके, लेकिन हमने नहीं किया। इस बजट में लोगों की जमीन बेचने और खरीदने में सुविधा के साथ महिलाओं, किसानों, बेरोजगारी इत्यादि अन्य वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। अब विपक्ष तो गलत बताए गए क्योंकि वह सिर्फ बातें करते हैं, लोगों को अपने दिखाते हैं और हम लोगों के सपने को साकार करने का काम करते हैं। पूर्व की सरकार का ये पाप है जो हमको भुगतना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के समय में सरकार के समय पुल बना था, वो पुल इतना कमजोर बना कि गिर गया। अब आगे आने वाले समय में इसके लेकर हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी बरेली मंडल के सभी विधायकों, सांसदों और प्रतिनिधियों के साथ, जिसमें माननीय सुरेश खन्ना जी भी उपस्थित थे और मैं भी था, सभी हमारे विधायक यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के ही पास आए, तो वहाँ पर विषय उठाकर इसका उचित समाधान करने के लिए कहा गया। कुछ समय लग सकता है लेकिन मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इसका समाधान करके जनता को सहूलियत देने का काम करेंगे। उसके टेक्निकल मुआयना करा रहे हैं, अगर किसी तरीके से वो कुछ अगर वो भार लेने की स्थिति में हुआ जो वर्तमान बना पुल है, तो छोटी गाड़ियों के लिए उसमें अनुमति देने का काम करेंगे, क्योंकि जनता की सुरक्षा से, जान से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए बिना टेक्निकल उसके कारण मुआयना कराकर, परीक्षण कराकर अगर करना हो कर देंगे तो कभी कोई दुर्घटना होगी तो उसके लिए जवाबदेह जिम्मेदार कौन होगा। अगर परीक्षण कराया जा रहा है, अगर इस पर कुछ चलने के लिए परीक्षण के बाद उसकी देखेंगे स्ट्रेंथ क्या है, अगर स्ट्रेंथ होगी तो चलने की अनुमति दी जाएगी, नहीं तो दूसरा पुल बनाने के लिए एक प्रस्ताव जा रहा है और नया पुल बनकर जब मजबूत तैयार हो जाएगा, जनता को थोड़े दिन की परेशानी होगी लेकिन जब आराम होगी तो पूरी पूरी आराम जनता को देने का काम करेंगे। सब लोग जानते हैं कि किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बजट में सभी लोगों की चिंता करने का काम किया है। इससे पहले जब बजट में सरकार के चुनाव से पहले ही ये आ सकता था बजट में, लेकिन उस समय भी जनता के लिए कोई हमने लोक लुभावन वादे नहीं किए, जो कर सकते थे उस प्रकार का बजट प्रस्तुतिकरण किया। अब इसके बाद जो बजट आया सरकार बनने के बाद, आप देख लीजिए किस तरह से मध्यम श्रेणी वर्ग को राहत देने का काम किया गया, छूट देने का काम किया गया। साथ ही साथ बहुत से लोग इस बात से परेशान रहते थे जमीनों को बिक्री करने के लिए, भवन को बिक्री करने के लिए, तो उनका जो कैपिटल गेन है वो 20% से घटाकर 12.5% किया गया। तो इस तरीके से बहुत ऐसी राहत है इसमें, युवाओं के लिए कौशल विकास में बहुत अच्छे बजट की प्रावधान किया गया, किसानों के लिए बहुत ज़्यादा बजट को बढ़ाकर किसानों को राहत देने का काम किया गया, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए बहुत सी योजनाओं को इसमें दिया गया। तो इस तरीके से गरीबों के लिए निरंतरता में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से भवन बन सकते हैं, घर बन सकते हैं उनके, और साथ ही साथ बहुत सी ऐसी जनकल्याणकारी योजनाओं को समाहित करके ये सर्वस्पर्शी बजट बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है।